हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो RS कर्णावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम एल्कोहल का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैंने चार लेक्चर के वीडियोस डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम एल्कोहल में डिस्टिंक्शन करेंगे, यानी कि एल्कोहल में विभेद करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। तो मान लो आपको तीन टेस्ट ट्यूब में तीनों एल्कोहल दे दिए, एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एल्कोहल दे दिया, एक में सेकेंडरी एल्कोहल दे दिया और एक में टर्शरी एल्कोहल दे दिया, और आपसे ये बोला जाता है कि इनको अलग अलग करो, यानी कि इनको पहचानो कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी है। अब देखो, आप देख करके बता नहीं सकते, क्योंकि तीनों एकदम से वाटर के जैसे साफ कलर के होते हैं, तो पता कैसे लगाए? तो उनका पता लगाने के लिए हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो ल्यूकास टेस्ट और एक विक्टर मेयर टेस्ट। तो फर्स्ट हम ल्यूकास टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब आप एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो टर्बिडिटी आएगी। देखो, टर्बिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अविलता, यानी कि वो सॉल्यूशन मिला हुआ सा नहीं लगेगा। आप सिंपली ये समझो कि वाइट कलर आएगा, वाइट जैसा ही कलर आता है। तो अगर आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला और तुरंत वाइट कलर आ जाए तो वो आपका टर्शरी एल्कोहल है। अगर आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला और वाइट कलर लगभग 5 से 10 मिनट बाद आए तो वो आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। और आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला और रूम टेम्परेचर पर वाइट कलर तो आता ही नहीं है प्राइमरी एल्कोहल में, अगर आप उसे गर्म करोगे तो भी आपके पास लगभग 30 से 40 मिनट के बाद टर्बिडिटी आएगी, वो वाइट कलर आएगा, इसका मतलब वो प्राइमरी एल्कोहल है। तो टर्शरी एल्कोहल तुरंत बनाता है वाइट कलर, यानी कि तुरंत रिएक्शन देता है। सेकेंडरी एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद वाइट कलर बनाता है, यानी कि 5 से 10 मिनट बाद रिएक्शन करता है। और प्राइमरी एल्कोहल तो रूम टेम्परेचर पर वाइट कलर बनाता ही नहीं है, यानी कि वो रिएक्शन ही नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है देखते हैं। तो देखो, मान लो आपके पास ये टर्शरी एल्कोहल है, अब आपको पता नहीं है ये टर्शरी एल्कोहल है, बस रिएक्शन में हम लिख रहे हैं, और आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला और ये ZnCl2, ठीक है, ZnCl2। तो आपको पता है कि रिएक्शन कैसे होती है, आप हेलो एल्किन में पढ़ चुके हो, H2O बाहर और आपके पास ये बनेगा, ये कोई एल्किल ग्रुप है, Cl प्लस H2O, इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। क्योंकि जो हेलो एल्केन होते हैं ना, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, ध्यान रखना, तो इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। अब ये आ जाती है तुरंत, ठीक है। अब देखो, यह तुरंत क्यों आ जाती है? देखो, यह तुरंत आने का मतलब ये रिएक्शन तुरंत ही हो गई है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, एल्कोहल यहां पर OH दे रहा है और OH निकलने के बाद आपके पास जो बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है, और कौन सा कार्बोकेटाइन? टर्शरी कार्बोकेटाइन। और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये तुरंत रिएक्शन करता है। अब देखो, अब मान लो आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, आपको पता नहीं है अभी एल्कोहल का, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमने डाला HCl और ZnCl2, तो आपको पता है कि रिएक्शन तो यही होनी है, H2O बाहर और आपके पास बन गया ये एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड को ही हम टर्बिडिटी बोलते हैं, प्लस H2O। अब ये रिएक्शन होगी 5 से 10 मिनट बाद, तो 5 से 10 मिनट, अब देखो 5 से 10 मिनट बाद टर्बिडिटी है, इसका मतलब आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से OH निकलने के बाद जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है वो टर्शरी से कम स्टेबल होता है, इसलिए ये धीरे रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब देखो, मान लो आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, तो आप HCl डालोगे और साथ में ZnCl2, तो आपके पास रिएक्शन होगी नहीं, नो टर्बिडिटी। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो भी लगभग 50 मिनट बाद आपके पास ये हेलो एल्किन बन जाएगा, RCH2Cl, इसे हम टर्बिडिटी बोल रहे हैं, और ये आएगी लगभग 30-40 से 50 मिनट, मान लो उसके बाद, तो वाइट कलर 40 से 50 मिनट बाद आएगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है। तो स्टूडेंट्स, ये ल्यूकास मेथड है, इसके बाद हम विक्टर मेयर मेथड पढ़ेंगे, तो आप इसको लिख लो। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मेथड एल्कोहल के डिस्टिंक्शन की विक्टर मेयर मेथड स्टार्ट करते हैं।
तो देखो मान लो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, हमें पता नहीं है, अब देखो पता लगाएंगे तो इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ करवाएंगे, तो आयोडीन के साथ यानी कि पी आई थ्री के साथ करवाएंगे, तो आपको पता है कि हेलो एल्किन बनता है तो आपके पास आयोडो एल्किन बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो ए जी आई बाहर, आपके पास नाइट्रो एल्किन बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम नाइट्रस एसिड के साथ। अब देखो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करवाते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका अल्फा कार्बन और ये इसका हो गया अल्फा हाइड्रोजन और ये आपका नाइट्रो। अब HNO2 को हम नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि H2O बाहर हो जाएगा और ये आपका NO आपके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो RCHNO और NO2। अब देखो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो और नाइट्रो एल्केन, ठीक है, NO जो ग्रुप लगाता है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में उसे हमने बोल दिया नाइट्रोसो, वन नाइट्रोसो बोल दो चाहे, वन नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन। ये कैसे रिएक्शन करेगा आगे देखो, अब ये स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल बनाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर सी एच एन डबल बॉन्ड ओ और NO2। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो आपको H प्लस मिल गया, क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था कार्बन ने। अब दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ जाएंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है लेकिन हाइड्रोजन का गया ना, तो एच प्लस मिल जाएगा। अब यहां पर बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के चार बॉन्ड हो गए जो कि स्टेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन के एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे यानी कि यहां पर माइनस चार्ज बनेगा, तो आपके पास ये हाइड्रोजन यहां पर लग जाएगा, तो आपके पास बन गया आर सी डबल बॉन्ड एन और OH और NO2, ठीक है। देखो ये बॉन्ड यहां पर बन गया, ये बॉन्ड आगे चला गया तो यहां पर माइनस चार्ज आया और माइनस से ये हाइड्रोजन लग गया। अब इसमें अगर आपने NaOH डाला और अगर रेड कलर आता है तो यह रेड कलर प्राइमरी एल्कोहल को बताता है, तो हमें पता नहीं था कि कौन सा एल्कोहल हमने ये डाला, ठीक है, उसके बाद सिल्वर नाइट्राइट डाला, उसके बाद नाइट्रस एसिड डाला, उसके बाद हमने NaOH डाला, तो अगर रेड कलर आता है तो प्राइमरी एल्कोहल है। अब देखो सेकेंडरी एल्कोहल क्या करेगा, ध्यान दो, ये मान लो सेकेंडरी एल्कोहल है लेकिन हमें पता नहीं है, तो हमने पी प्लस आई टू, ठीक है, पी आई थ्री, तो आपके पास आयोडो एल्केन बनेगा, हमने सिल्वर नाइट्राइड डाला एच जी एन ओ टू, तो एच जी आई यहाँ से बाहर हो गया तो आपके पास बन गया आर सी एच और आपके पास बन गया एन ओ टू। अब आपने नाइट्रस एसिड डाला एच एन ओ टू, तो आपको पता है कि नाइट्रस एसिड एल्फा हाइड्रोजन को निकालता है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, यहां पर बता रहा हूं आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और नाइट्रस एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं एच एन ओ टू, तो एच टू बाहर एन ओ लग गया यानी कि आपके पास लग गया आर सी और ये एन ओ और ये एन ओ टू। अब देखो हम रीअरेंज कर नहीं सकते, देखो जैसे मैंने यहां पर इसको रीअरेंज किया है, ठीक है, इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड, ध्यान रखना नाइट्रोलिक एसिड। अब देखो ऐसे अब रीअरेंज कर नहीं सकते क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें आप NaOH डालोगे तो अगर ब्लू कलर आए तो आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, इतना सब करने के बाद रेड कलर आता है तो प्राइमरी एल्कोहल, अगर ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो बात करते हैं टर्शरी एल्कोहल की, तो ये हमारे पास टर्शरी एल्कोहल है, हमें पता नहीं है टर्शरी एल्कोहल है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं पी प्लस आई टू, तो आपके पास हेलो एल्केन बनेगा येलो, आप सिल्वर नाइट्राइड डालोगे तो AgI यहां से बाहर हो जाएगा NO2 लग जाएगा। अब देखो उसके बाद आप नाइट्रस एसिड डालोगे HNO2, तो ध्यान रखना मैं नीचे लिख रहा हूं,
तो अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो नाइट्रस एसिड रिएक्शन कर लेता। देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन था तो H2O हमने बाहर निकाल दिया था, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो हमने H2O बाहर निकाल दिया था, लेकिन नाइट्रस एसिड डालोगे तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यानी कि रिएक्शन नहीं होगी, और इसमें आप NaOH डालोगे तो कोई कलर नहीं आएगा। अगर कोई कलर नहीं आता है इसका मतलब आपके पास टर्शरी एल्कोहल है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद यानी कि पहले तो आप P+I2 यानी कि फॉस्फोरस के साथ आयोडीन डालोगे, उसके बाद सिल्वर नाइट्राइट डालोगे, उसके बाद नाइट्रस एसिड डालोगे और उसके बाद NaOH डालोगे। अगर रेड कलर आए तो प्राइमरी एल्कोहल, अगर ब्लू कलर आए तो सेकेंडरी एल्कोहल, अगर कोई कलर नहीं आए तो टर्शरी एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स हम इस प्रकार एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो लिख लो आप इन्हें। तो गाइज अब हम कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के एल्कोहल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैथेनॉल स्टार्ट करते हैं। देखो मैथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है और मैथेनॉल को हम वुड स्प्रिट बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। अब देखो इसको वुड स्प्रिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे लकड़ी से बनाया जाता है। लकड़ी का आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे तब आपके पास मेथेनॉल मिलेगा। अब देखो कॉमर्शियली इसे कैसे बनाया जाता है, तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन, आप कार्बन मोनोऑक्साइड लो, हाइड्रोजन लो और इसकी कंडीशन क्या है, आप CuO, ZnO और Cr2O3 यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, आपको ये तीन तो कैटलिस्ट लेने हैं और आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए 573 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 200 atm। तो ये इतनी सारी कंडीशंस आपको लगानी है और डायरेक्ट जोड़ दो, कार्बन से तीन हाइड्रोजन जोड़ो और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जोड़ दो और मैथेनॉल बना दो, ठीक है। अब देखो मैथेनॉल जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, इसके सेवन से ब्लाइंडनेस आती है यानी कि आदमी अंधा हो जाता है, तो इट इज पॉइजनस एंड कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और बहुत सारी रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट भी हम मेथेनॉल को लेते हैं, और देखो इसका मेन यूज क्या है, एथेनॉल के डीनेचुरेशन में, यानी कि एथेनॉल को पीने लायक नहीं छोड़ना, क्योंकि एथेनॉल में अगर हम मेथेनॉल मिला देंगे तो वो पॉइजनस हो जाएगा, उसके बाद उसको कोई नहीं पीगा। इन डीनेचुरेशन ऑफ एथेनॉल, तो ये इसका सबसे बड़ा यूज है कि एथेनॉल को पीने लायक नहीं छोड़ना, ठीक है। अब देखो हम दूसरा एल्कोहल लेते हैं एथेनॉल, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, यानी कि आप बोल सकते हो C2H5OH, ठीक है। यह वाइन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि वाइन किसकी बनी होती है, एथेनॉल की, तो इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, ठीक है। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, तो खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं हम उनसे एथेनॉल को बना सकते हैं, ठीक है। जिनमें कार्बोहाइड्रेट, जिनमें सुक्रोज ग्लूकोज होता है उनसे हम एथेनॉल बना सकते हैं, तो हम मोलेसेस से एथेनॉल बनाते हैं, तो फ्रॉम मोलेसेस। अब देखो मोलेसेस क्या होता है, गन्ने के रस से जब हम गुड़ है, चीनी है, ये निकाल लेते हैं तो नीचे जो ब्राउन रंग का लिक्विड होता है उसे हम मोलेसेस बोलते हैं, तो देखो उसमें सुक्रोज होता है। अब देखो मोलेसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको डाइल्यूट करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डालने के बाद उसमें अमोनियम सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और यीस्ट सेल डालेंगे। अब देखो जैसे हम H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 एसिड यानी कि उसकी pH को कम कर देगा, उसके बाद यीस्ट सेल डालेंगे और अमोनियम सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि यीस्ट सेल के लिए यह खाने का काम करती है। तो देखो मोलेसेस में सबसे पहले हम पानी डालेंगे यानी कि इसको डाइल्यूट करेंगे,
तो डाइल्यूट जैसे ही हम करेंगे उसके बाद H2SO4 डालेंगे ताकि इसकी पीएच है वो लगभग 4 से 5 हो जाए, क्योंकि एसिड पीएच को कम करता है। अब देखो इसके बाद इसमें डालेंगे हम यीस्ट सेल। अब यीस्ट सेल क्यों डालते हैं, इसमें दो एंजाइम होते हैं, एक तो इन्वर्टेज और एक जाइमेज। अब यीस्ट सेल को चाहिए खाना, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे अमोनियम सॉल्ट। तो स्टूडेंट बस एक बार इसको ध्यान रख लेना, अमोनियम सॉल्ट डालेंगे तो यीस्ट सेल इसको खाएगी। तो अमोनियम सॉल्ट डालेंगे तो अब देखो क्या होगा, यीस्ट सेल ने खाना खा लिया, अब यह एंजाइम देगी। तो इस मोलेसेज में हमारे पास सुक्रोज होता है, ठीक है, तो यह यीस्ट सेल हमें इन्वर्टेज एंजाइम देगी। अब यह इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करता है। अब देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर सेम है, लेकिन एक के पास फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक के पास सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप होता है। तो हमें ये अभी नहीं पढ़ना, तो आप सिंपली देख लो, एक के पास ये तो बनेगा ग्लूकोज और ये बनेगा फ्रक्टोज, ठीक है। अब यीस्ट सेल के पास दूसरा एंजाइम होता है जाइमेज, तो जाइमेज ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करेगा, तो आपके पास एथेनॉल बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, सॉरी CO2 बनेगी ना, CO2। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम एथेनॉल को मोलेसेस से बनाते हैं। सबसे पहले उसको डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद H2SO4 मिलाते हैं जिससे उसकी पीएच कम हो जाए, उसके बाद उसमें यीस्ट सेल मिलाते हैं, यीस्ट सेल को खाने के लिए हम अमोनियम सॉल्ट देते हैं जिससे हमें यह दो एंजाइम देती है, एक इन्वर्टेज जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, एक जाइमेज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथेनॉल में चेंज करता है। अब देखो यह जो एथेनॉल होता है वो 10-15% होता है, बाकी का इसके अंदर पानी होता है, तो इस एथेनॉल को हम वास बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस वास का हम डिस्टिलेशन करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे, और यह इसको हम गर्म करते हैं एक एपरेटस होता है कोफेज स्टील, उसमें हम इस वास को गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है, और इतना गर्म करते हैं कि उसमें एथेनॉल रह जाए 95.5%, यानी कि एथेनॉल तो 95.5 और आपके पास वाटर रहे 4.5%, तो इस एथेनॉल को हम रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल स्टार्ट करेंगे, तो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।